यहाँ कोलकाता के खिदिरपुर में नेताजी सुभाष चंद्र की सालगिरह मनाई गई। इस मौके पे कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया, कहीं हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया गया, कहीं बच्चों के लिए सिट एंड ड्रा के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, कहीं और भी कंपटीशन किए गए। ऐसे मौके पर फ्रेंड्स क्लब की जानिब से कार्यक्रम का अहतमाम किया गया। इसमें रियासत के वजीर शहरी तरक्की और मेयर फिरहाद हकीम ने हिस्सा लिया। आइए ये जानते हैं और ये सुनने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस मौके पे लोगों को क्या पैगाम दिया और नेताजी के बारे में उन्होंने क्या कहा। हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या जो देश का जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, ऐसे हालात में तमाम नौजवानों को एक होकर इस देश को बचाने के लिए आगे आना है और यही चीज है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद दिलाने के लिए जो काम किया था। एक बार फिर हमारा देश का संविधान खतरे में है, हमारा देश का इंस्टीट्यूशन खतरे में है, हमारा देश का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो खतरे में है। इसको बचाने के लिए नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है और हम जहाँ तक समझते हैं कि पूरा देश आज ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये मान लिया है कि आने वाला जो चुनाव है आगामी दिन उसमें हम लोग एक अच्छा डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत बनाएंगे ताकि देश की स्थिति को सुधार सके और देश को डेवलपमेंट के आगे ले जा सके। इन्हीं जन शब्दों के साथ धन्यवाद प्रदान करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा अनेक दिन धरे नेताजी के लिए हमारा 2008 दिए हमारा इखने रक्तदान शिविर कर ट्रेंड का चले आस बड़ो बड़ो कथा जरा बोले वरा बीजेपी नेताजी के लिए एक राजनीति करार जो चेष्टा करो जगह आप देखें जो बीजेपी रक्तदान शिविर कर लेकिन आज के सैकड़ों तादाद के आज के युवारा रक्त दिए एकटाई मैसेज दीचे क्ज करी जो महामाटी सरकार आर नेत्री ममता बनर्जी आ उनके सारा दिए आज के पूर्व पश्चिम बांगलाते रक्तदान शिविर नेताजी के लिए होते ओनली तृणमूल कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस रही रक्तदान शिविर आयोजन कर नेताजी के लिए उत्सव करा हो लेकिन बीजेपी के खुजे पावा जाते हैं। बीजेपी शुद्ध जरा से मुख्य मीडिया भरोसा से जिंदा है और को जगह से नहीं। आज के घर मंत्री साहब ने नेताजी के लिए हमारे बबीदा अपने नेताजी के लिए मैसेज दिए थे सब ट्रेन का हमारा अनेक दिन धरे नेताजी के मान नेताजी एकमात्र आज जरा देश के तैयारी कर आज के पश्चिम बांगला दिए आज तो वही मॉडल ममता दीदी आज के पश्चिम बांगला के मॉडल पर आज के पूरा जय भाई स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के लिए सब जगह जमीन काज कर मॉडले 2019 के हमारा जो गठन करब दीदी नेतृत्व जो सरकार गठन हो जार नेतृत्व ममता दीदी देवे तृणमूल कांग्रेस छाड़ा देशे को सरकार बनबे ना ये निश्चित हो गए और फेडरल फ्रंट नहीं दीदी प्रधानमंत्री हो এটাই আমাদের আজকে প্রত্যেক আন্দোলন প্রত্যেক উৎসব আমরা 2019 মোদী ফিনিশ এটাই আমাদের নেত্রী কথা পশ্চিম বাংলা দিয়ে যে আওয়াজ উঠেছে ওই কথা নিয়ে আমরা আগে করছি সব যুবরা এখানে পুরো একসাথে আছে এই বলে অখিলেশ সিং যুব সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেস आज के प्रोग्राम देखा होता आज नेताजी का जन्मदिन था मैंने 132 साल का उनका जन्मदिन उपलब्ध मनाया हम लोग और इस उपलब्ध के लिए हम लोग सभी यहाँ के जितने भी भाई हैं उसको उत्सव में हम लोग ये प्रोग्राम कराएं और जो बॉबी था हम लोग नेतृत्व दे गए यहाँ पे कि नेताजी एक ऐसे सदस्य थे जो नेताजी अपने देश के लिए अपने खून की बलिदान दे के देश को बचाए और आने वाला कल उस वो बलिदान मेरी दीदी जो अपने 1987 में थी और आज 1919 में वो अपने बलिदान को यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने के में कामयाब होगी और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ ये कामयाबी आपके हाथ में है और ये कामयाबी के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दीदी को उत्साह करके जीता है और दीदी ने जो उपलब्ध रखा है मैंने हमारे यहाँ पे जो मैंने ये जितने तमाम को बोला कि आप ये मोदी कल ये अमित शाह जो आए हमारे यहाँ पर बोलने के लिए वो क्या बोले कि फिर भी अपने अपना आदत से मजबूर है बोले फिर गुरु
देश में झगड़ा लगाने का संबंध है कि हमारे बंगाल में भी समझदारी झगड़ा बढ़े। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बंगाल के सभी हम ऐसा मिल कर रहे कि मोदी को इस जगह से बंगाल में एक भी सीट उनको यहाँ से दे नहीं और उनको इस तरह जलील करके निकाला जाए। उनको देश के हर आवाम को एहसास हो कि मोदी खुद अपने आप को खराब करने के लिए जो कर रहे हैं वो 5 साल जो राजनीति किए उस राजनीति के चक्कर में कोई भी आवाम मोदी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि मोदी ने अपने आप को अपना बनने के लिए जो 65 करोड़ रुपया खर्चा करे पूरा देश विश्व में घूर चुके। अगर वो पैसा मेरे देश में खर्चा करता तो मेरे देश को बहुत काम है, इस किसान को हर इंसान को कुछ ना कुछ मिलता। जो विदेश मंत्री है वो आज तक विदेश नहीं गई, मगर मुख्यमंत्री हमारे पूरे विदेश यात्रा इतना कर लिए हैं कि उनको आज जिंदगी में कभी अपने विदेश देखे नहीं थे, ये प्रधानमंत्री होने के बाद अपने विदेश पूरा इतना कर लिए कि उम्मीद करते हैं कि 5 साल के बाद उनको विदेश नहीं उनको जेल यात्रा करने पड़ेगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बने और उनको जितना CBI लगाते थे उसके ऊपर उनके ऊपर इतना CBI लगा जाए, उनको पता चले कि क्या गुजरात में उनको रहा जाएगा कि गुजरात से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। इसके साथ मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मोहम्मद अली साहब के नामों से देवीपुर इलाके का एक नाम रखा जाए, उसके एक कागज को लेकर एक लेटर को पारस दा तुम जगह थको ना कांडो ऐसे जान पारस भाई आपको तो चिट्ठी देना है बॉबी किंग साहब को, तो आप लोग जल्दी चिट्ठी लेकर आ जाए। और आप देख रहे हैं टीवी मीडिया वाले पूरे पहुंचे हुए हैं, प्रेस मीडिया में आप देख रहे हैं कि पूरा प्रेस मीडिया छाया हुआ। संजय प्रेस आज संजय प्रेस 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 आप देख रहे हैं कि टीवी चैनल स्टार 9 से लेकर 24 घंटा चैनल से लेकर सिटी चैनल सभी यहाँ भी मौजूद हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब आ चुके हैं और सभी इस बच्चों का आज तस्वीर उठाकर आप शाम में 6 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर अभी टीवी में देख सकते हैं। टीवी चैनल में आप देखिएगा इन लोगों का प्रोग्राम। और देख रहे हैं कि बियर जो है जंगल में जो बियर होता है वो जंगल में घूर रहा है, वो रुक नहीं रहा है। और हम उसी तरह का कार्यक्रम आप देखने को मिल पा रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि